इस वीडियो में मैं सेक्टर 28 द्वारका के, जो कि पैकेज 2 में दिल्ली का पार्ट है, यहाँ से ड्राइव करता हुआ बंद रोड में आऊँगा और बंद रोड होता हुआ यहाँ से इस पॉइंट पे आऊँगा। इस सेक्शन में जूम कर देता हूँ आपके लिए। इस सेक्शन में यहाँ पे आप जो डार्क ब्लू लाइन देख रहे हैं ये अंडरपास है बंद रोड का, और ये जो लाइट ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये अंडरपास से ऊपर आने का रास्ता है, जो एलिवेशन होगा धीरे धीरे करके बंद रोड में आने के लिए, एग्जिस्टिंग बंद रोड पर आने के लिए। ये जो पूरा सेक्शन है ये पैकेज 2 है दिल्ली साइड का, और ये जो पूरा सेक्शन है ये पैकेज 3 है गुड़गांव के साइड का। पैकेज 2 और पैकेज 1 में जय कुमार को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, पैकेज 3 एंड पैकेज 4 जो कि गुड़गांव का पार्ट है वहाँ पे एरेंटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये सेक्शन, ये 113 सेक्टर है गुड़गांव का। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये 111 सेक्टर है गुड़गांव का, और ये सेक्टर 27 है द्वारका का। एक्चुअल में जब द्वारका एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो ये एलिवेशन यहाँ पे आकर ब्लू लाइन पे एलिवेशन नीचे आएगा, और ये जो एरिया यहाँ से होता हुआ इस सेक्शन से हम गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये जो अंडरपास है इसमें क्या काम चल रहा है और इसे कंप्लीट करने का टाइमलाइन। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड कलर के बटन को जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करें तो ये बेल बटन का आइकॉन आ जाएगा। आप बेल बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा एक मेन्यू खुलेगा जिसमें पर्सनलाइज बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, आपको ऑल को सेलेक्ट करना है सो दैट जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ऊपर वीडियो का एक टैब है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लेटेस्ट वीडियोज़ देख सकते हैं जो भी मैंने अपलोड किया है YouTube चैनल पर। और उसके बाद आता है ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन जहाँ पे आप अलग अलग, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे का लेटेस्ट अपडेट, दिल्ली साइड के द्वारका एक्सप्रेसवे का अपडेट, राघवपुर या 75 मीटर रोड का जो अपडेट है, ऐसे काफ़ी सारे प्लेलिस्ट हैं, आप उन पे भी जाके वो पर्टिकुलर वीडियोज़ देख सकते हैं। फिर आता है कम्युनिटी टैब, यहाँ पे मैं जो भी फोटोग्राफ्स डालता हूँ या जो भी अपडेट्स डालता हूँ रेगुलरली आप वो अपडेट्स देख सकते हैं। फिर आता है स्टोरी का सेक्शन जहाँ पे मैं छोटे छोटे स्टोरीज डालता रहता हूँ रेगुलरली, आप वो अपडेट्स यहाँ देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो इसी वीडियो में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आएगा ठीक इसी जगह पे, वहाँ पे आप कमेंट करके मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं या आप मुझे जो चाहें वो बता सकते हैं। इस समय मैं सेक्टर 28 से चलूँगा, यहाँ पे एक्चुअली जो नया रास्ता बनाया गया था द्वारका में द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये वो पैच है, लेफ्ट हैंड साइड में नया रास्ता है। फिलहाल मैं ये मिट्टी वाले रास्ते से जाऊंगा, और बिल्कुल ठीक रोड क्रॉस करते ही सामने बंद रोड है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा बैरिकेड भी दिखेगा। तो ये नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है, यहाँ से अगर मैं राइट ले लूँगा तो मैं नजफगढ़ की तरफ चले जाऊँगा, और यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट ले लूँगा तो मैं कापासेड़ा की तरफ चले जाऊँगा, और इसी जगह से अगर मैं राइट लेता हूँ तो नजफगढ़ जाने से पहले राघवपुर रोड आएगा, जहाँ से मैं अगर लेफ़्ट लेता हूँ तो मैं गुड़गांव की तरफ चले जाऊँगा जहाँ पे सेक्टर 114, 15, सेक्टर 109, 108 एंड 7 जो 75 मीटर रोड है राघवपुर रोड के बाद वो वाला सेक्शन आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फार्म हाउस था जिसका लैंड एक्विजिशन हुआ था, और यहीं से वो रास्ता जाना है द्वारका एक्सप्रेसवे का। फिलहाल मैं बंद रोड में जा रहा हूँ, आप अगर देखेंगे तो बंद रोड को भी वाइडन कर दिया गया है कहीं कहीं पर, यहाँ पर जैसे राइट हैंड साइड में जो सीमेंटेड पार्ट है पहले उतना ही था, बट अब आप लेफ्ट और राइट देखेंगे तो इसको वाइडन कर दिया गया है। और यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में सेटअप है जय कुमार का पैकेज 2 का, तो यहाँ पे डॉकिंग यार्ड, उनके बैचिंग प्लांट, ये सब कुछ है। और राइट साइड में आप देखें यहाँ पे तो ऑलरेडी मटेरियल रखा जा रहा है इसको लेवलिंग करने के लिए, ब्रॉड करने के लिए इस रोड को। और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वहाँ पे पाइपलाइन बिछाया जाएगा इस ड्रेनेज सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, सो दैट कुछ फ्लडिंग जैसा या पानी निकल जाने का बाहर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो इस जगह पे। और लेफ्ट हैंड साइड में आप सारा बाउंड्री वॉल देख सकते हैं, वो उसी जगह के उस तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे होगा। फिलहाल वो रास्ता बंद है इसीलिए मैं बंद रोड को लेते हुए गुड़गांव की तरफ जा रहा हूँ, अदरवाइज जब ये रास्ता खुल जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे तो पैकेज 2 वो जो बाउंड्री वॉल आपको दिख रहा है ब्लू, उसके उस तरफ से हम स्ट्रेट जाएंगे और गुड़गांव की तरफ पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल हम बंद रोड के थ्रू गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं। बंद रोड जो है एक्चुअली वो राइट हैंड साइड में, अब यहाँ पे थोड़ी देर आगे जाएंगे तो सेक्टर 113 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 27 है द्वारका का। और यहीं के लेफ्ट हैंड साइड का अंदर का वीडियो मैंने बना के दिखाया था आपको पिछले महीने, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं वो पुराना वीडियो डाल दूंगा सो डैट आपको समझ में आ जाए कि अंदर में क्या काम चल रहा है और वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट है और क्या क्या सेटअप है अंदर में। फिलहाल यहाँ से अब कुछ मीटर्स के बाद
बंद रोड का जो इंटरसेक्शन है, जो अंडर पास होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी रोड को वाइडन कर दिया गया। तो अब आगे जहाँ पे टी पॉइंट आएगा, जहाँ से मैं राइट लूँगा गुड़गांव में जाने के लिए, वहाँ पे ही अंडर पास है सामने। तो यहाँ से लेवलिंग लेवल अंडर पास का नीचे जाएगा और नीचे जाकर हम बंद रोड के दूसरी तरफ चले जाएंगे और ऊपर से द्वारका एक्सप्रेस वे यहाँ पर जाएगा सरफेस में। और इसी जगह पे राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो सेक्टर 113 है और लेफ्ट हैंड साइड में द्वारका है। और अब जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं सारा एरिया, वो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 है, इंक्लूडिंग ये बंद रोड का अंडर पास। और लेफ्ट हैंड साइड है पैकेज 2, और पैकेज 1 और पैकेज 2 जय कुमार के पास है, पैकेज 3 एंड पैकेज 4 एलएनटी के पास है। एक साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इस पैकेज 3 एंड पैकेज 4 में काम शुरू हुए हुए, और नवंबर तक का डेडलाइन है इसे कंप्लीट करने का, नवंबर 2020। सो इस वक्त मैं बंद रोड पे हूँ, बिल्कुल ये दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है गुड़गांव के साइड का, यहाँ पे सेक्टर 113 है और ये सेक्टर 111 है गुड़गांव का। आप ऊपर देख सकते हैं लिखा है वेलकम टू हरियाणा, वो वेलकम टू हरियाणा दूसरी तरफ लिखा है। और यहाँ से अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको दिल्ली जाना है, तो आप बंद रोड होते हुए यहाँ से जो नया पैच ब्लैक टॉप हुआ था सेक्टर 27-28 का, वहाँ पहुँच जाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये अंडर पास दिखाता हूँ। ये जो अंडर पास है इसके दूसरे एंड भी, वहाँ पे भी बंद रोड है। तो ये अंडर पास है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और जब बंद रोड ऑपरेशनल हो जाएगा, जब द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा, तो बंद रोड इसके अंदर से ही नीचे से होता हुआ व्हीकल्स मूव होगा। और ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये इसके ऊपर से आएगा यहाँ पे। और ये पैकेज 2 है द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये दिल्ली का सेक्शन है। जितना भी आप उधर बोर्ड देख रहे हैं वो दिल्ली है, और वहाँ से इस सेक्शन पे ऊपर से होते हुए आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ पहुँच जाएंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने जब आपको दिखाया था तो वहाँ पे ढलाई का काम चल रहा था आरसीसी का, तो वो काम हो गया है वहाँ पे। अब इसका नेक्स्ट पैच यहाँ पे इसको किया जा रहा है। और ये जो आरसीसी किया हुआ है यहाँ पे वॉल पे, ये नहीं हुआ था पहले, तो इसको भी आरसीसी करके कंक्रीट कर दिया गया। तो एक्चुअली जब ये रास्ता, ये जो अंडरपास है इसका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इस रास्ते को मोस्ट प्रॉब्ली ओपन कर दिया जाएगा। एनएचआई से रिक्वेस्ट करके इसको ओपन करवा लेंगे पब्लिक के लिए, सो डैट एटलीस्ट जिसको दिल्ली से गुड़गांव जाना है या गुड़गांव से दिल्ली आना है, वो कुछ लेन्स को ओपन कर दिया जाए कि यहाँ से आना जाना कर सकें। जो न्यू गुड़गांव के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाए यहाँ से आना जाना। तो दिल्ली अब दूर नहीं है, बस दिल्ली और गुड़गांव के बीच में ये जो अंडरपास है इसका फासला है। अब दिल्ली दूर नहीं है। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं। और अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो जो इसका नाला है उसको कवर करने के लिए जो भी पाइपलाइंस हैं, वो पाइपलाइंस हैं यहाँ पे रखे हुए। यहाँ पे एक इस वॉल के पीछे एक ड्रेनेज है, पहले इसी के तरफ से जाता था बट उसको उधर से डाइवर्ट कर दिया गया। तो ऑलरेडी बंद रोड की तरफ का कवर करना शुरू हो गया। और ये जो सामने आप देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, ये सेक्टर 111 है, और इस तरफ यहाँ पे दिल्ली है और ये गुड़गांव का सेक्शन है। और वहाँ पे आगे अगर आप देखेंगे तो एक येलो कलर का बैरिकेड लगा है, तो वहाँ से भी बंद रोड है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है वो बंद रोड, लेकिन उसको बंद करके रखा गया है। कंक्रीट वॉन्क्रीट सब कुछ हो गया है, प्रॉब्ली अगर इसको ओपन कर देते तो लोग वहाँ से भी आना जाना कर सकते थे, बट क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर एंड में, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर एंड में, यहाँ पे अभी काम होना बाकी है, इस वजह से वहाँ का जो बंद रोड है उसे ऑपरेशनल नहीं किया गया है, उसकी कनेक्टिविटी नहीं दी गई। अब ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं, ये जो पैकेज 3 और पैकेज 2 को आपस में कनेक्ट कर देगी, यानी कि दिल्ली और गुड़गांव को आपस में कनेक्ट कर देगी, ये सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का, क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव दोनों कनेक्ट हो जाएगा इसके कम्प्लीट होने से। तो आइडली ये मार्च एंड अप्रैल 2020 में इसका डेडलाइन है इस अंडरपास को कम्प्लीट करने का। और क्लोजअप दिखा देता हूँ आपको। और ये जो है ये एलएनटी का सेटअप है सारा पैकेज 3 का। वीडियो अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा,
और अगर आप चैनल में वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप कुछ मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, आप मेरे ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं या ट्विटर पे फॉलो करके मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।